तो हेलो गाइस, स्वागत है मेरे चैनल में। तो भाई साहब, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं लाल सिंह चड्ढा की रिलीजिंग डेट को लेकर। सर भाई साहब, सच में मैं पहले ही बता चुका था कि भाई साहब इसकी रिलीजिंग डेट आगे ढकल दी गई है, पोस्टपोन हो गई है। तो भाई साहब सच में कह रहा हूँ, साउथ का क्रेज यहाँ पर इतना चल रहा है। इसको देख कर लाल सिंह चड्ढा के मेकर्स और आमिर खान, तो भाई साहब मैंने सोचा नहीं था कि ये इतना ज्यादा डर जाएंगे। साउथ का क्रेज इतना बढ़ गया है भाई साहब, सच में कह रहा हूँ। ऊपर से अपोजिट हमारे रॉकिंग स्टार यश थे भाई, केजीएफ का क्रेज आप जानते हो, मैं भी जानता हूँ, आपको पता ही है केजीएफ का इतना क्रेज बढ़ गया था। तो भाई साहब फर्स्ट के बस सेकेंड के इतना भरपूर क्रेज होने के बावजूद भी लाल सिंह चड्ढा पहले से ही पोस्टपोन, तो भाई साहब अब ये कभी भी रिलीज करे कोई परवाह नहीं। फिलहाल मैं रिलीजिंग डेट भी बता देता हूँ आपको। इससे पहले भाई साहब, तो मुझे इतना इसे कहते हैं भाई साहब साउथ के माहौल को डरावन कहना, सच में साउथ वाले यहाँ पर इतना राज कर रहे हैं बॉक्स ऑफिस पर और इतना क्रेज बढ़ गया है साउथ के फिल्मों की तरफ से। तो भाई साहब बॉलीवुड वाले डर गए हैं उनके साथ क्लैश करने के लिए। सच में भाई साहब क्लैश करने के लिए बड़ा जिगरा होना मांगता है सच में। ऊपर से एक रॉकिंग स्टार यश की फिल्म अपोजिट केजीएफ चैप्टर 2 की रिलीजिंग डेट वो तो पोस्टपोन नहीं कर रहे हैं, वो तो 14 अप्रैल को ही आ रहे हैं। लेकिन लाल सिंह चड्ढा की रिलीजिंग डेट आगे ढकल दी गई है, यानी कि 11 अगस्त को। हाँ भाई साहब, रेस से बाहर हो गए हैं, अभी क्लैश नहीं हो रही है केजीएफ वर्सेस जो इतने दिनों से चल रहा था। तो भाई साहब क्या लाल सिंह चड्ढा वालों ने रिलीजिंग डेट तो पोस्टपोन कर ही दी है, अब ये कभी रिलीज करे इसको तो हमें लेना देना कुछ भी है ही नहीं, ये अपने दिल चाहे तब रिलीज करे। तो भाई साहब इस वीडियो में सिर्फ इतना ही था, तो आपको इसीलिए कमेंट सेक्शन जाकर जरूर बताना। तो चल इस पहले बॉलीवुड की तरफ से कहीं से कुछ भी अपडेट आई तो मैं आपके लिए जरूर लाऊंगा, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो हम चलते हैं